अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन अगेन। आज यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्पेशल एंड ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ मटन की, एंड वो है मटन रोगान जोश, जो बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही टेस्टी है, एंड इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 200 ग्राम योगर्ट ले लेंगे, एंड देन इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून कश्मीरी ड्राइड रेड चिली का पेस्ट। ड्राइड रेड चिली को सिर्फ सोक कर ले 10 से 15 मिनट के लिए, एंड फिर इसे पेस्ट बना ले। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। 2 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर एंड 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, एंड साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फेनल पाउडर यानी कि सौंफ का पाउडर, एंड इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस मिक्सचर को मिक्स कर लेने के बाद आप साइड में रख देंगे एंड कुकिंग पॉट ले लेंगे। यहाँ पर ये मैंने अर्दन का पॉट ले लिया है, आप यहाँ पर नॉर्मल कुकिंग पॉट भी ले सकते हो। इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, एंड ये कुछ साथ ही ड्राई स्पाइसेस लेंगे जैसे कि 2 बे लीफ, 6 ग्रीन कार्डमम, 2 स्मॉल सिनेमम स्टिक, 2 ब्लैक कार्डमम, 1 मेस, एंड ये 1/2 टेबल स्पून हींग यानी कि एसाफटिडा। अब ऑयल के हीट होने के बाद इन स्पाइसेस को इसमें ऐड करेंगे एंड सौते कर लेंगे। जैसे ही ये स्पाइसेस सारे स्प्लटर करने लगे, इसमें ऐड करेंगे 1 केजी क्लीन एंड वॉश्ड मटन विद बोन, एंड मटन को यहाँ पर ऑयल में अच्छे से भून कर लेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए ऑन हाई फ्लेम, जब तक कि मटन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। 5 मिनट्स बाद जब मटन का कलर चेंज हो जाए, इसमें ये मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था, एंड इस पेस्ट को अब अच्छे से मटन के साथ मिला कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम पर कर देना है, एंड मीडियम फ्लेम पर इस मसाले के साथ मटन को भून कर लेंगे। यहाँ पर मटन को हम कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। जितना मटन को भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, एंड मटन उतना ही सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा। ये देखिए मटन में अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसे कवर करेंगे एंड 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। फ्रेंड्स, मटन को कुक होते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो लीड ओपन करते हैं। ये देखें मटन ऑलमोस्ट 1/2 कुक हो गया है, एक बार स्टर करेंगे। मटन को अच्छे से स्टर कर लेने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले, एंड दोबारा से एक बार इसे मिक्स करें। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास हॉट वाटर। हॉट वाटर इसीलिए ऐड करेंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, एंड इसे एक बार मिक्स कर दोबारा से लीड कवर करेंगे एंड कुक करेंगे अराउंड 30-40 मिनट्स, जब तक कि मटन जो है वो सॉफ्ट एंड टेंडर ना हो जाए। मटन को कुक होते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, लीड ओपन करते हैं। वाव, ये देखिए मटन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है, यानी कि मटन जो है वो अच्छे से कुक हो गया है एंड सॉफ्ट भी हो गया है। बट यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की थोड़ी थिक हो गई है, तो इसीलिए इसमें 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। अगेन मैंने यहाँ पर हॉट वाटर ही ऐड किया है। दोबारा से एक बार स्टर करेंगे, एंड फिर यहाँ पर अब इसमें ऐड करेंगे जूस ऑफ 1 फ्रेश लेमन, एंड ये थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, एक बार मिक्स करें, एंड इसे बॉईल आने के लिए अब रखेंगे। जब तक ग्रेवी में बॉईल आ रहा है, हम एक तड़का प्रिपेयर करेंगे छोटा सा। तड़के के लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून प्योर घी ले लेंगे, एंड जैसे ही घी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एंड इसे स्लोली स्टर करेंगे। एंड जैसे ही तड़के में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, एंड यहाँ पर ये देखें ग्रेवी में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस तड़के को हम इस ग्रेवी के ऊपर ऐसे पोर करेंगे स्लोली। अब एक बार स्टर करेंगे एंड गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रोगान जोश जो है वो रेडी हो गया है, एंड ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल प्रॉपर है। तो आप भी इसे जल्दी से ट्राई करें एंड एंजॉय करें विद बटर नान, नान, रोटी, पराठा या फिर कोई भी राइस के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रोगन जोश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।